So now we will see what is integral or reset, wind up or overshoot. Wind up or overshoot kya hai? Integral, reset, wind up or overshoot kya hai? Hum log dekhenge. Already I have explained in earlier that suppose one tank is here, there is some water level is maintained. वाटर लेवल मेंटेन हो रहा है, ये वाल्व से ये इनलेट फ्लो है, जो एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या कर रहा है ना, लेवल का कंट्रोल कर रहा है. तो इसका सेट पॉइंट है इक्वल टू 250, प्रोपोर्शनल बैंड इंटीग्रल है 50, डी जीरो है, सेट पॉइंट है 50% लेवल में ये अभी इसको ऑपरेट ये कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. तो अभी ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सम ऑफ एरर, द एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज इंटीग्रल, इज द रोल ऑफ द इंटीग्रल. इंटीग्रल क्या करता है ना, पास्ट एरर और प्रेजेंट एरर, ये दोनों एरर को समेशन करते जाता है जब तक वो अचीव नहीं करता है. सो व्हेन द एरर इज लार्ज, पहले क्या होता है ना, एक लेवल कंट्रोल हो रहा है, मैं अचानक उसका सेट पॉइंट चेंज कर दिया, ये अभी 50% है सेट पॉइंट, लेवल 50% है ईवी, तो मैं क्या किया, अभी सेट पॉइंट को इसको चेंज करके 80% कर दिया. वाल्व ओपनिंग था 40%, अभी क्या होगा ना, वाल्व ओपनिंग इंक्रीज होगा ये लेवल को अचीव करने के लिए, लेवल को अचीव करने के लिए ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये 40%. अभी मान लीजिए कि ये वाल्व ओपनिंग हो रहा है लेकिन ये फ्लो किसी वजह से नहीं आ रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो क्या होगा ना, लेवल कंट्रोल नहीं होगा वाल्व. लेकिन क्या हो रहा है ना, आपका 40% से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 50 फिर 60 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, 70 फिर 80, लेकिन ये लेवल अचीव नहीं हो रहा है. ये लेवल होना चाहिए कितना, 80% लेवल नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये 100% पर चला जाएगा. वाल्व ओपनिंग कंट्रोलर आउटपुट जो है वाल्व ओपनिंग, ये क्या होगा धीरे धीरे 100% लेवल तक चला जाएगा, ये 100% कंट्रोलर आउटपुट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर सैचुरेशन. कंट्रोलर सैचुरेशन मैक्सिमम लेवल तक आपका कंट्रोलर आउटपुट ओपन हो गया, लेकिन वाल्व फिर भी, लेकिन लेवल फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. दिस इज कॉल्ड कंट्रोलर सैचुरेशन. यहाँ पे इंटीग्रल विंड अप और ओवरशूट होता है, इसको दिस फिनोमेना को बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है ना, पीवी और सेट वैल्यू के बीच गैप है और आपका कंट्रोलर आउटपुट 100% ओपन हो गया लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पा रहा. ये पिक्चर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ये क्या है ना, आपका कंट्रोलर आउटपुट ये जो सेट पॉइंट बहुत मैक्सिमम है 0 to 10 मैक्सिमम सेट पॉइंट है, तो इसका एरर मैक्सिमम है. अब मैक्सिमम एरर होगा तो क्या होगा ना, धीरे धीरे कंट्रोलर आउटपुट ओपन होना शुरू करेगा, आपका इंटीग्रल भी ऐड होता जाएगा धीरे धीरे. ये देखिए आपका वाल्व का ओपनिंग 23-24 मैक्सिमम हो गया, फिर भी क्या है ना, इंटीग्रल समेशन करता जा रहा है क्योंकि एरर अभी तक उसका जीरो नहीं हुआ है. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ओवरशूट फिनोमेना, ओवरशूट, और नहीं तो इसको बोलते हैं विंड अप, इंटीग्रल विंड अप. ये आप देख रहे हैं नेगेटिव जोन पे आ गया इंटीग्रल, तो ये विंड अप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे ना, एक तरीका है, ये बहुत सारा तरीका है, जैसे क्लैंपिंग कर देना, हाँ, आउटपुट को मैं एक लिमिट तक बांध दिया, ये लिमिट कर दिया कि ये जो कंट्रोलर आउटपुट है ये 18% के ऊपर नहीं खुलेगा, तो ये 18% तक रहेगा. तो फिर क्या होगा ना, दिस नेगेटिव जोन यू कैन अवॉइड, इंटीग्रल ये नेगेटिव जोन में फिर नहीं आएगा. तो कंट्रोलर आउटपुट को लिमिट में बांध देना एक आपका सॉल्यूशन है इंटीग्रल विंड अप को ये करने के लिए. तो एक है क्लैंपिंग, कंट्रोलर आउटपुट लिमिट लगा देना, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग. तो एक एक सॉल्यूशन है. दूसरा एक सॉल्यूशन क्या है ना,
बैक कैलकुलेशन, ये बैक कैलकुलेशन क्या होता है ना, बैक कैलकुलेशन क्या है, सपोज सपोज क्या है, आपका इंटीग्रल आप देख रहे हैं कि समेशन करते जा रहा है और एक वुंड अप के लिए पोजीशन पे जा रहा है, ओवरशूट करने के लिए जा रहा है, आप डीसीएस पे है, तो आप क्या करेंगे ना, ये इंटीग्रल को आप बैक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इंटीग्रल कितना होने पर सैचुरेशन नहीं आएगा, तो आप उसके हिसाब से आई को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो और एक काम क्या कर सकते हैं ना, आई यू डिक्रीज द आई टू ज़ीरो, आई को ज़ीरो कर दीजिए और पी से कंट्रोल कीजिए, पी से कंट्रोल करने से भी ये आपका सेट पॉइंट रीच कर जाएगा, तो आप आई को तब ज़ीरो कर दिया, पी को बढ़ा दिया, बढ़ा के क्या किया, सेट पॉइंट को रीच कर लिया, सेट पॉइंट रीच करने के बाद फिर से आई को लगा दिया, आई को लाइन में ला दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड बैक कैलकुलेशन। आप बैक कैलकुलेशन करके आई को कैलकुलेट करके आई को डाल सकते हैं विंड अप के टाइम पे, फिर उसको आप ओरिजिनल आई को बैक कर सकते हैं। सपोज ये एक आपका सेट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपने सेट पॉइंट एक चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपका सेट पॉइंट है ऑलरेडी, सेट पॉइंट को चेंज किया, तो जब क्या होगा ना, सैचुरेशन नहीं आएगा, उसका ट्रेंड कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे धीरे धीरे सेट पॉइंट को रीच कर लिया, पीवी, ये मैं पीवी बोल रहा हूँ। और सपोज विदाउट एंटी डैम्पिंग, मतलब एंटी डैम्पिंग टेक्निक मैंने यूज नहीं किया, तो अब क्या होगा ना, विंड अप होगा, मैं पहले बोला हूँ, तो विंड अप कैसे होगा ना, वो ऐसे जाता जाएगा सैचुरेशन तक, फिर धीरे धीरे आएगा, फिर ये नेगेटिव अप्रोच लेके ये सेट पॉइंट को पकड़ेगा आई। अभी क्या है, मैं एंटी विंड अप टेक्निक यूज किया, जैसे मैं बोला आई को रिकैलकुलेट करो, बैक कैलकुलेट करके अब आई को देने से ये फिनोमिना जो है इसको हम रोक सकते हैं, तब क्या होगा ना, तब जाके ये ऐसे आएगा, तो आप देखिए ये पूरा स्मूथ ऐसे जाके सेट पॉइंट को पकड़ लिया, तो दैट इज कॉल्ड एंटी विंड अप। और ये क्या है, विंड अप। और ये क्या है ना, जब आपका सैचुरेशन नहीं होता है, सैचुरेशन विदाउट सैचुरेशन, सो होप यू अंडरस्टैंड।